झरिया के सुदामडी थाना क्षेत्र के रिवर साइड वासरी कॉलोनी एम्बटा 96 में खड़ी कार JH10BH1892 में किसी ने आग लगा दी, जिसे कार का आगे का हिस्सा जलकर खाक हो गया। कार के स्वामी कमलेश कुमार जो PCCL में कार्यरत है ने बताया कि 26/8/2023 को हम लोग रात्रि में भोजन कर सोने चले गए। रात्रि 12:30 बजे कुछ जलने की गंध से मेरी माँ जग गई। जब माँ खिड़की से बाहर झाँक कर देखी तो बाहर खड़ी हमारी गाड़ी जल रही थी, तो उसने हमें आवाज़ देकर बोली कि गाड़ी में आग लग गया है। हम दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले तो हमारे पड़ोस M/98 में रहने वाले नंदकिशोर सिंह एवं उनके दो पुत्र राजकुमार व दीपक सिंह आग लगाकर गली से भाग रहे थे। फिर हम पानी डालकर किसी तरह से आग बुझाएं और घटना की सूचना सुदामडी पुलिस को फोन पर दिए। अगर कार की आग जल्द ना बुझाई जाती तो बड़ी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पेट्रोल से चलने वाली कार थी। अगर आग पेट्रोल टंकी तक पहुंच जाता तो जान माल का भी बड़ा नुकसान हो सकता था। गाड़ी में आग लगा, चचराहट का आवाज़ हुआ, आग लग जलने का गंध आया। माँ मेरे बगल वाली खिड़की में मतलब दरवाजे पर सोए हुई थी खिड़की में, उसने बोला कि बेटा आग लग गया गाड़ी में। उसी दरमियान हम सड़क दे दरवाज़ा खोले अपना खोल करके, और जैसे ही आए तो भागते हुए दीपू को इसमें इस घर में देखें, गली में जाते हुए देखें, तो फिर हम लोग फिर पानी बुझाना स्टार्ट कर दिए। इसका सूचना रात में पेट्रोलिंग ऑफिसर आए थे राय साहब, कि क्या है नाम उनका, थोड़ा सा राय साहब थे शायद, और वही देखे और फोटो लेकर के गए। घर में होता है भैया, उसी को ना पता चलता है कि घटना क्या चीज़ है। इस संपत्ति हम लोग मतलब क्या बोलता है, एक एक कान कर करके अपना गाड़ी लिए और उसको लोग जला दिया। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार।